मंत्रिपरिषद के मेरे साथी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमान निहाल चंद जी, सचिव श्रीमान विजयानंद जी, देश के अलग अलग भागों से आए हुए पंचायत राज व्यवस्था के सभी प्रेरक महानुभाव, जिन राज्यों को आज सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला है, उन सभी राज्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। आज जिला परिषदों को भी और ग्राम पंचायतों का भी सम्मान होने वाला है, उन सबको भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पंचायत राज दिवस पर मैं देश भर में पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े हुए सक्रिय सभी महानुभावों को आज शुभकामनाएं देता हूँ। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि भारत गांवों में बसता है, उन गांवों के विकास की तरफ हम कैसे आगे बढ़े, दूर सुदूर छोटे छोटे गांवों के भी अब सपने बहुत बड़े हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबके नेतृत्व में गांव की चहु दिशा में प्रगति होगी। मैं नहीं मानता हूं कि अब जैसे अभी हमारे चौधरी साहब बता रहे थे कि पहले से 3 गुना बजट होने वाला है आपका, और तुरंत तालियां बज गई। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो पंचायत में चुन करके आए हैं, कभी सोचा है कि हम पांच साल का कार्यकाल में हम हमारे गांव को क्या देकर के जाना चाहते हैं? कभी ये सोचा है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल के बाद हमारा गांव हमें कैसे याद करेगा? जब तक हमारे मन में गांव के लिए कुछ कर गुजरना है, ये स्पिरिट पैदा नहीं होता है, तो सिर्फ बजट के कारण स्थितियां बदलती नहीं है। पिछले 60 साल में जितने रुपये आए होंगे उनका सारा टोटल लगा दिया जाए और फिर देखा जाए कि भाई गांव में क्या हुआ, तो लगेगा इतने सारे रुपये गए तो परिणाम क्यों नहीं आया। और इसलिए कभी न कभी पंचायत लेवल पर सोचना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहां पर पंचायतें अपना 5 ईयर प्लान बनाती हैं, पंचवर्षीय योजना बनाती हैं। 5 साल में इतने काम हम करेंगे और वो गांव के पंचायत के उसमें वो बोर्ड पर लिख करके रखते हैं, और उसके कारण एक निश्चित दिशा में काम होता है और गांव कुछ समस्याओं से बाहर आ जाता है। हम भी आदत डालें कि भाई हम 5 साल में हमारे गांव में ये करके जाएंगे। अगर ये हम करते हैं तो आप देखिए कि बदलाव आना शुरू होगा। बजट और लीडरशिप दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे परिणाम लाता है, हम जानते हैं कि गांवों में सीसी रोड बनाना ये जैसे एक बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है। इसके पीछे कारण क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन
कुछ सरपंच ऐसे होते हैं जो सीसी रोड तो बना देते हैं लेकिन पहले से प्लान करके दोनों किनारों पर बढ़िया पैड लगा देते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं तो ऐसा हरा भरा गांव लगता है। तो वे बजट से तो सीसी रोड बनता है लेकिन उनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि गांव को जोड़ करके रोड बनते ही पौधे लगा देते हैं, वो वृक्ष बन जाते हैं और एकदम से गांव में कोई आता है तो बिल्कुल नजरिया ही बदल जाता है। कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं सरपंच, वो क्या करते हैं, और गांव में से कोई धनी व्यक्ति कहीं कमाने गया, बाहर गया, तो उसको कहते हैं ऐसा करो भाई तुम गांव को गेट लगा दो। तो ये बड़ा पत्थर का 2-5-10 लाख रुपया खर्च करके गेट बनवा देते हैं। उसको लगता है कि मैंने गेट बनवा दिया तो बस गांव का काम हो गया। लेकिन दूसरे को ये लगता है नहीं मैं पैड लगाऊंगा। आप भी सोचिए बैठे बैठे कि सचमुच में जन भागीदारी से जिसने पैड लगाए हैं, सीसी रोड एंटर होते ही आधे किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक हरे भरे वृक्षों की घटा के बीच से गांव जाता है तो वो दृश्य कैसा होगा। ये है लीडरशिप की क्वालिटी कि हम किन चीजों को प्राधान्य देते हैं, इस पर इस काम का प्रभाव होता है। जिसमें आपको बजट का खर्च नहीं करना है, आपको बजट की चिंता नहीं करनी, जो मिलने वाला है जैसे बताया गया कम से कम 15 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत पैसा गांव में आता है। आंगनवाड़ी चलती है, प्राथमिक स्कूल चलता है, पीएससी सेंटर चलता है, बहुत सी चीजें चलती है जिसका खर्चा तो सरकारी राह से अपनी व्यवस्था से आता है जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं होता है। क्या कभी एक सरपंच के नाते, गांव की पंचायत के नाते हमने इन चीजों पे ध्यान केंद्रित किया क्या कि भाई मेरे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसका टीकाकरण में वो वंचित रह जाए। हम पंचायत के लोग जी जान से जुटेंगे, गांव को जगाएंगे कि भाई टीकाकरण है, चलो बच्चों का हुआ कि नहीं देखो। अब इसमें कोई पैसे लगते हैं क्या? बजट नहीं लगता है, लीडरशिप लगती है, एक समाज के प्रति कुछ कार्य करने के दायित्व का भाव लगता है। हमारे गांव में स्कूल तो है, टीचर हैं, सरकार बजट खर्च कर रही है, हमने कभी देखा क्या कि भाई हमारे टीचर आते कि नहीं, बच्चे स्कूल जाते कि नहीं, समय पर स्कूल चलता है कि नहीं चलता, बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते, बच्चे लाइब्रेरी का उपयोग करते कि नहीं करते, कंप्यूटर दिया है तो कंप्यूटर चलता है कि नहीं चलता है। ये हम एक पंचायत के नाते, हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, आपको बजट नहीं खर्च करना है, ना बजट की चिंता करनी है, सिर्फ आपको गांव की चिंता करनी है, आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी है। हमारे यहां आशा वर्कर है, आशा वर्कर को कभी पूछा कि आपका काम कैसा चल रहा है, कोई कठिनाई है कि क्या कर रहे हो क्या? हर गांव में भी सरकार है लेकिन वो बिखरा पड़ा हुआ है। क्या हम एक प्रयास कर सकते हैं क्या कि सप्ताह में एक दिन, 1 घंटे के लिए जितने भी सरकारी व्यक्ति हैं गांव में उनको बिठाएंगे एक साथ और बैठ करके अपना गांव, अपना विकास, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं बैठ करके चर्चा करेंगे। तो शिक्षक कहेगा कि मुझे ये करना है लेकिन हो नहीं रहा है, तो आंगनवाड़ी वर्कर कहेगी हाँ हाँ चलो मैं मदद कर देती हूँ, आशा वर्कर कहेगी अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं मैं कल 2 घंटे आपके लिए लगा दूंगी। अगर गांव में हम लीडरशिप लेकर के टीम बना लें, सरकार के इतने लोग हमारे यहां रहते हैं लेकिन हमें भी पता नहीं होता है, इवन बस का ड्राइवर कंडक्टर भी हमारे गांव में रहता होगा और बस चलाता होगा, वो भी तो एक सरकारी मुलाजिम है, कांस्टेबल होता होगा वो भी एक मुलाजिम है, पटवारी है वो भी एक मुलाजिम है। क्या कभी हमने ये सोचा कि सप्ताह में 1 घंटा कम से कम
हम सरकार के रूप में एक साथ बैठेंगे, सामूहिक रूप से अपने पंचायत के विकास की चर्चा करेंगे। आप देखिए, देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाएगा, टीम बनना शुरू हो जाएगा। और मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं जिसमें बजट एक समस्या है, लेकिन वरना हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि क्यों नहीं होता बजट, हकीकत वो नहीं है। बजट है लेकिन जो काम परिणाम नहीं देते हैं उसकी चिंता हम ज्यादा करने की आवश्यकता है। हमारे गांव में कोई ड्रॉप आउट होता है बच्चा, क्या हमें पीड़ा होती है क्या? हमारा खुद का बच्चा अगर स्कूल छोड़ दे तो हमें दुख होता है, लेकिन अगर हम पंचायत के प्रधान हैं तो गांव का भी कोई बच्चा स्कूल छोड़ दे हमें उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए, पूरी पंचायत को दर्द होना चाहिए। अगर ये हम करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हमारे गांव में कोई अशिक्षित रहेगा। और अगर कोई सरपंच ये तय करके मेरे कार्यकाल में 5 साल में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा, अगर इतना भी कर ले तो मैं कहता हूं उस सरपंच ने एक पीढ़ी की सेवा कर करके जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। नरेगा का काम हर गांव में चलता है, क्या हम उसमें पानी के लिए प्राथमिकता दें? जितनी ताकत लगा सके लगाएं, लेकिन पानी का प्रबंधन करने के लिए ही मनरेगा का उपयोग करें तो क्या कभी पानी का संकट आएगा क्या? हम व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम मिलकर के नेतृत्व दें। हमारे गांव में कुछ लोग तो होंगे जो सरकार में कभी न कभी मुलाजिम रहे हो, टीचर रहे हो, पटवारी रहे हो और रिटायर्ड हो गए हो, यानी सरकार का पेंशन लेते हो, सरकारी मुलाजिम के नाते निवृत्त होने के बाद पेंशन लेते हो, किसी गांव में 3 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, क्या महीने में एक बार इन रिटायर्ड लोगों की मीटिंग कर सकते हैं? उनका अनुभव, क्योंकि वो खाली है, समय है उनके पास। अगर मान लीजिए गांव में 5 रिटायर्ड टीचर है, उनको कहे देखिए भाई अपने गांव में 4 बच्चे ऐसे हैं बहुत बेचारे पीछे रह जाए, थोड़ा समय दीजिए ना, इन बच्चों को थोड़ा पढ़ाइए ना। अगर वो रिटायर्ड हुआ होगा ना तो भी उसके DNA में टीचिंग पढ़ा हुआ होता है, उसको कहोगे हाँ हाँ चलिए मैं समय देता हूँ, इन 4 गरीब बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा, मैं उनकी चिंता करूँगा। हम थोड़ा मोटिवेट करें लोगों को, हम नेतृत्व करें। आप देखिए, गांव हमारा ऐसा नहीं हो सकता जी, हम अपने गांव, और मैंने देखा है देश में, मैंने कई गांव ऐसे देखे हैं कि जहां उस सरपंच की सक्रियता के कारण गांव में परिवर्तन आया है। मैं जब मुख्यमंत्री था, एक घटना ने मुझे बहुत, यानी मेरे मन को बड़ा आंदोलित किया था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो सरदार पटेल साहब का जहां जन्म हुआ था, एक गांव के अंदर पंचायत प्रधान के नीचे विमेन रिजर्वेशन था। विमेन रिजर्वेशन था तो गांव वालों ने तय किया कि प्रधान अगर विमेन है तो सभी मेंबर विमेन क्यों ना बनाए जाए, और गांव ने तय किया कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ेगा, सबके सब पंचायत के मेंबर भी महिलाएं बनी। रिजर्वेशन तो 1/3 था लेकिन सबने तय किया गांव वालों ने। एक दिन उन्होंने मेरे से समय मांगा, पंचायत की सभी महिला सदस्यों ने और पंचायत के प्रधान ने। मेरे लिए भी ये सरप्राइज था कि ये बड़ा गांव कमाल है भाई, सारे पुरुषों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और महिलाओं के हाथ में कारोबार दे दिया। तो मेरा भी मन कर गया चलो मैं मिलूं। तो वो सब मुझे कोई 17 मेंबर्स का वो पंचायत था, वो तो मिलने आए। और ये बात भाई 2005 या 2006 की है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी महिला थी, प्रधान थी, वो 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी। मैंने, इतना पिछड़ा गांव था, कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो ऐसे ही मेरा मन कर गया, मैंने पूछा उनको, मैंने कहा अब आप पंचायत सभी महिलाओं के हाथ में है, आपको गांव का कारोबार चलाना है, तो क्या करना, आपकी योजना क्या है क्या करने की? उन्होंने जो जवाब दिया, मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की सरकार में कभी इस रूप में सोचा गया होगा।
कम से कम मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस रूप में नहीं सोचा था। उस जवाब ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। ठेठ गांव की सामान्य महिलाएं थी। मैंने उनसे पूछा, आप अब 5 साल आपको कारोबार चलाना है तो क्या आपके मन में है? उस प्रधान ने, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। अब देखिए क्या कल्पना है जी। क्या कभी हमारे देश में पंचायत ने, नगर पालिका ने, महानगर पालिका ने मिल बैठ के तय किया कि हम हमारे गांव में उस प्रकार की योजनाएं चलाएंगे कि गरीब गांव में कोई न रहे? एक बार इतने बड़े लेवल पे काम शुरू हो जाए, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। क्या हम पंचायत के प्रधान के नाते कभी विचार कर सकते हैं कि भी कम से कम 5 परिवार, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5 परिवार पंचायत की रचना में कुछ काम ऐसा निकालेंगे, उनको फलों का पेड़ बोने के लिए दे देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन 5 को तो गरीबी से बाहर लाएंगे। अगर हिंदुस्तान में एक गांव साल में 5 लोगों को गरीबी से बाहर लाता है, पूरे हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क पड़ता है जी। क्या कुछ नहीं कर सकते आप, कभी अंदाज लगाइए। और ये सारी बातें मैं बताता हूं कि बजट के कंस्ट्रेंट वाले काम नहीं है। हमारी संकल्प शक्ति, हमारी कल्पकता इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। अगर इस पर हम बल दें तो हम साच अर्थ में इस व्यवस्था को अपने गांव के विकास के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। हम तब तक गांव का विकास नहीं कर पाएंगे जब तक हम गांव के प्रति गौरव और सम्मान का भाव पैदा नहीं करेंगे। उस गांव में पैदा हुए मतलब सम्मान होना चाहिए। आप देखिए कि जिस जगह पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ होगा, उस गांव का व्यक्ति कभी कहीं मिलेगा तो कहेगा, मैं उस गांव से हूं जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे। कहेगा कि नहीं कहेगा? हर किसी को रहता है भी कोई ऐसी बात होती है, गांव का गर्व होता है उसको। क्या हमने कभी हमारे गांव में के प्रति एक लगाव पैदा हो, गांव के प्रति गर्व पैदा हो, ऐसी कोई चीज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्या गांव का जन्मदिन मनाया जा सकता है क्या? हो सकता है रिकॉर्ड पे नहीं होगा तो गांव तय करे कि इस दिन को आप जन्मदिन मनाया जाएगा। उस दिन गांव इकट्ठा हो और गांव के बाहर जो लोग रहने गए हो शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए, किसी ने बड़ी प्रगति की हो, कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर बना हो, उस दिन सबको बुलाया जाए। एक दिन सब लोग, नए पुराने सब साथ रहे, कुछ बालकों के कार्यक्रम हो जाए, कोई बड़ों के कार्यक्रम हो जाए, सीनियर सिटीजन के कुछ कार्यक्रम हो जाए, गांव में सबसे बड़ी वही उम्र वाले व्यक्ति का सम्मान हो जाए, और एक अपनेपन का भाव, जो गांव से बाहर गए होंगे उनको भी लगेगा उस दिन कि चलो भाई अब तो हम रोजी रोटी कमा रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, चलिए अगले साल हम इतना हमारी तरफ से गांव के लिए दान दे देंगे, हमारे गांव में ये विकास कर दो। अब देखिए जन भागीदारी का ऐसा माहौल बनेगा, गांव का रूप रंग बदल जाएगा। कभी आपने सोचा है हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है? तो मैं कई बार गांव को पूछता हूं, भाई आपके गांव में सबसे वृद्ध ओल्डेस्ट ट्री कौन सा है, कौन सा वृक्ष है जो सबसे बूढ़ा होगा? गांव को पता नहीं है, क्यों? ध्यान ही नहीं है। क्या हम पंचायत के लोग तय कर सकते हैं, चलो भैया सबसे बड़ी आयु का वृक्ष कौन सा दिखता है? ये सबसे बड़ा स्कूल के बच्चों को ले जाकर देखो भाई, अपने गांव का सबसे बड़ी आयु का वृक्ष ये है, ये है सबसे बड़ा, वो 200 साल उम्र होगी उसकी, 100 साल होगी, 80 साल होगी, जो भी होगा, चलिए भाई उसका भी सम्मान करें, उसका गौरव करें। यही तो है जो गांव के विकास का सबसे बड़ा साक्ष्य है, इज ए विटनेस। हम किस प्रकार से अपने गांव के गौरव को जोड़े, गांव के साथ अपने आप को कैसे लगाओ लोगों का पैदा करें, आप देखिए अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप नेतृत्व दीजिए, अनेक नई कल्पकताओं के साथ नेतृत्व दीजिए। हमारे देश ने बहुत बड़ा निर्णय किया। मैं कभी कभी पश्चिम के देशों से बातें होती है और जब कहते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए पंचायत व्यवस्था में रिजर्वेशन है तो
तो कईयों को आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, ये विश्व के बहुत बड़े बड़े देशों के लिए सरप्राइज होता है। लेकिन कभी कभी हमारे यहां क्या होता है, एक मैं पहले तो इस सरकार से जुड़ा हुआ नहीं था, मैं संगठन के काम में लगा रहता था, तो देश भर में मेरा भ्रमण होता था, तो लोगों से मिलता था, थोड़ा परिचय भी करता था। तो एक बार परिचय दे किसी ने, मैंने कहा आप कौन है, तो उसने कहा मैं स्वयंसो एसपी हूं। तो मैंने कहा एसपी है और पॉलिटिकल मीटिंग में कैसे आ गए, क्योंकि मैं एसपी है ना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसा ही मेरे दिमाग में था, क्योंकि एसपी है पुलिस वाला हो गया कैसे मीटिंग में आ गए। तो मैंने कहा एसपी नहीं, बोले मैं सरकारी नहीं। तो मैंने कहा क्या है, बोले मैं सरपंच पति हूं। अब कानून ने तो एम्पावर कर दिया, लेकिन जो ये एसपी कारोबार चला रहे हैं भाई है ना, हकीकत है ना। हाँ, कानून ने महिलाओं को अधिकार दिया है तो उनको मौका भी देना चाहिए। और मैं कहता हूं जी, वो बहुत अच्छा काम करेगी, आप विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। सच्चे अर्थ में गांव में परिवर्तन लगे। अभी आपने छत्तीसगढ़ का भाषण सुना, बिना हाथ में कागज लिए गांव में क्या काम दिया है उन्होंने बताया नहीं बताया। और पता है उनको कि सरपंच के नाते अपने गांव में कितने प्रकार के काम है, किन कामों में ध्यान देना चाहिए, सब चीज का पता है। ये सामर्थ्य है हमारी माताओं बहनों में, और इसलिए ये एसपी वाला जो कल्चर है ना वो बंद होना चाहिए। उनको अवसर देना चाहिए, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और हम अवसर देंगे तो परिणाम भी दिखाएंगे। तो मैं आज पंचायत राज दिवस पर आप सबको हृदय से बहुत सबका शुभकामनाएं देता हूं, और जो अवार्ड विनर हैं उनसे आप बात करेंगे तो पता चलेगा उन्होंने अपने अपने यहाँ बहुत नए प्रयोग किए होंगे जो आपको भी काम आ सकते हैं। लेकिन अगर गांव तय करे तो दुनिया देखने के लिए आए ऐसा गांव बन सकता है जी। ये ताकत होती है गांव, एक परिवार होता है, अपनापन होता है, सुख दुख के साथी होते हैं, वो उस भाव को फिर से हम जगाएं और गांवों को बहुत आगे बढ़ाएं, इसी की अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।